सब समझ गए ना? तो चल बता अब पहली ड्रिंक में क्या डालेगी और कैसे बनाएगी? ओके, फर्स्ट था बीसीपी, वोडका, शैंपेन, पाइनएप्पल जूस। तो पाइनएप्पल जूस हाथ में लेगी अलग से? मेरी मार्क कम करना। ओके, इतना पाइनएप्पल जूस। सुपर, बर्फ अलग से खाऊं? पीछे कर उसको। इतनी बर्फ। सुपर। ये होता है स्क्रूड्राइवर। फिर स्क्रूड्राइवर कहीं मिल जाए तो तेरा स्क्रू टाइट कर दूं। मेरी मां स्क्रूड्राइवर नहीं, फ्लर्टी नहीं। हाँ, फ्लर्टी नहीं बीसीपी, फ्लर्टी नहीं बीसीपी प्लस आइस। ओके, डन, वी आर सॉर्टेड। ओके, फिर प्लस लेमन सोडा प्लस और उसमें मिलाएंगे फिर कढ़ी पत्ता, फिर थोड़ी हींग मिर्ची, दालचीनी का तड़का लगा दे। हां, रसम बना रही तू क्या? पीने के बाद जीने की इच्छा ना करे? क्या कर रही है यार? कड़ी पत्ता नहीं, पुदीना। पत्ता पत्ता होता है। अरे अभी पत्ता नहीं। ओके, और वो भी सुन, मेरी माँ पत्ते डालना, चटनी में डाल देना तू। पुदीना। हाँ, लेमन सोडा। हाँ, सॉर्टेड, एक ड्रिंक सॉर्टेड है। अब अगला वाला था लॉन्ग आइलैंड, जिसमें थे तीन जूसेस, एक था ऑरेंज। अरे उसमें से जीनी नहीं निकलेगा मेरी माँ, तू बराबर दिमाग लगा के सोच। क्या क्या लगेगा उसमें? तीन जूस। हाँ, फिर लॉन्ग आइलैंड में तीन जूस, एक होगा अपना ऑरेंज जूस, एक होगा लेमन जूस, तीसरा जूस। मुझे निचोड़ के डाल दे उसमें। पूरे ग्लास में जूस भरेगी तो दारू का मेरे हाथ में देगी आके। अरे उसमें रम टकीला कौन? फिर से नहीं होगा मेरी माँ, तो छोड़ दे, नहीं होगा तेरे से यार। इतना क्यों एक्साइटेड हो रहे हो रमन? आप मेरे एक्सपर्ट दारूबाज पति हो, एक्सपर्ट हो आप, सिखाओ ना, मैं सीख जाऊंगा। एक्सपर्ट तो मैं बहुत सी चीजों में, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है फिलहाल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वंस मोर, 30 ml इज अ स्मॉल ड्रिंक, 60 इज लार्ज। पटियाला तक तू जा नहीं पाएगी, जानते हो? स्मॉल, लार्ज, पटियाला। पटियाला मतलब क्या? ग्लास के ऊपर क्या चिपकाएगी? मेरी माँ, तेरे से कुछ नहीं हो रहा यार तू। तब क्या फर्क पड़ता है जूस में कितना दारू? अरे तो किसी का रूट कहाँ करना, तो क्या बाईपास करेगी उसका? हर चीज का तरीका होता है यार। इडली जैसा राजमा खाती तू? समझती नहीं है यार एकदम। यार तेरे चक्कर में ना सच्ची। You have a point and I'm learning. मैं देखो प्रोग्रेस के रास्ते पे हूँ, लॉन्ग आइलैंड पे थी। अरे मेरे रास्ते लग जाएंगे तेरे प्रोग्रेस के रास्ते के चक्कर में यार। मैंने स्क्रू ड्राइवर सीख लिया, लॉन्ग आइलैंड, तीन जूस, दो जूस, एक शराब। अरे रमन, अरे यार तूने पूरा प्लान चेंज कर दिया, कम से कम बताना तो चाहिए था यार। अभी थोड़ी देर पहले इशू आई थी, वो कह रही थी कि अब पार्टी यहाँ होगी, इस रूम में। क्या पार्टी होगी यार? इसको तो यार तेरी साली ना पता नहीं डॉक्टर कैसे बन गई यार, एक रेसिपी याद नहीं रख सकती यार, पता नहीं दांत कैसे तोड़ती होगी यार। कब से समझा रहा हूँ कि ड्रिंक कैसे बनाते हैं, पता नहीं यार कि ग्लास के बाहर तो... मैं और कितना अच्छा भी तो कर रही हूँ। अरे अच्छा तो कर रही, मतलब क्या ये एग्जाम कर रहा है? एक मिनट इशू, अगर एग्जाम में टॉप करना हो तो पढ़ाई पहले से की जाती है, एग्जाम के दिन नहीं, राइट? तो आज की पार्टी के लिए आज ही प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट फेयर। एक डॉक्टर एक टीचर क्या होगा मेरा यार। तुम एक काम करो ना, तुम सारी की सारी बॉटल्स यहाँ पे भिजवा दो, हम लोग खुद ड्रिंक्स बना लेंगे, सिंपल। ये सुपर आइडिया है। हां, तू बॉटल भेज दे और चटना वगैरह भेज दे, बाकी हमसे मान लेंगे, है ना? क्योंकि तुझसे नहीं होगा। मैं वन मोर मॉडल से। हां मनी बोल। ए रमन, कैसे हो? तुम्हारी आंख कैसी है? डिनर की तैयारी हो गई? अरे क्या डिनर और कैसी आंट, मुझे डिनर से बैन कर दिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने। लेकिन बाला का मैसेज आया था कि आज हमारी ड्रिंक्स वाली पार्टी होनी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बगैर कैसे करेंगे हम? नहीं नहीं, बाला यही है और ड्रिंक वाली पार्टी होगी, लेकिन जरा अलग तरीके से, मेरे कमरे में होगी और तुम लोग को चुपचाप आना होगा, इट्स अ सीक्रेट पार्टी। आर यू श्योर? हां हां 100%, क्यों? अच्छा ये बताओ, ये हमारी ये प्राइवेट पार्टी करने के लिए इशू मान गई है क्या? मानी है, बस मदद ना करे तो अच्छा है। यार मुझे एक बात बता, ये सचमुच ये डॉक्टर है यार? यार एक ड्रिंक नहीं समझ पा रही, एंड आई जस्ट मे बी यू कैन मेक हर अंडरस्टैंड बेटर, तू प्लीज जल्दी आ जा यार। ठीक है, सी यू, बाय बाय। मैं जाकर रोमी को ये प्लान बता कर आता हूँ। इशू, अब तुम वो कॉकटेल मिक्सर जरूर भिजवा देना प्लीज। हाँ, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये होता है एक्सपीरियंस ड्रिंकर, जिसका काम है ना उसी को शोभा देता है। तू दांत चल रहा है। अब क्या? तो मतलब मेरे पूरे कमरे को आप बार बना दोगे? आपको बॉटल्स चाहिए ना कमरे में? आप
जो बोलोगे आपको सब कमरे में मिल जाएगा। हैप्पी? वेरी। एक बात बताऊं, आई एम रियली लकी है। काश तुम जैसी पत्नी हर एक को मिले। बिल्कुल। यार से बिना बोलो ना? सब कुछ मिलेगा, और वो कॉकटेल मेकर शेकर। थैंक यू। बाला ने बाल बाल बचा लिया, वरना बेटा तो चल बसता। ओह, आओ जी आओ जी, आया नू। वेलकम वेलकम जी, आ जाओ जी आ जाओ। वड़कम वड़कम। शगुन, तुमको भी कंजक्टिवाइटिस हो गया क्या? नहीं, वो रमन को कंजक्टिवाइटिस है, कंटेजियस। अब दुल्हन और दुल्हन की माँ को भी हो गया तो इट विल बी सो बैड। डोंट वरी शगुन, वो समझ गए बात को, वो ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, ऊपर ही रहेंगे आज। तो वो नीचे नहीं आएगा? ओके। करने तो तैयारी रमन को, दारू पार्टी में होने दूंगी तब ना। पता नहीं क्या खुशी मिलती है इन सबको दारू पी के, ऐसे एक्साइटेड हो रहे जैसे बच्चे हों जिन्हें आइसक्रीम मिलने वाली है। जी ये बताओ, तुमने मेरे लिए क्या बनाया? तुम मेरे लिए स्पेशल डिश बनाने वाले थे ना? कहाँ है? इधर उधर क्या देख रहे हो? डिश कहाँ है, क्या बनाया तुमने, मेरे जल्दी बताओ। बनाई है लेकिन वो तुम्हें डिनर करने के बाद मिलेगी। सरप्राइज है यार। सरप्राइज है? डिश तो मेरे लिए बनी है ना, बताओ ना क्या बनी। आदि तो यहाँ है ये दोनों। मतलब मौका मिला नहीं कि लव बर्ड शुरू हो गया? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो वैसे कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वैसे आदि भैया, आपके लिए ना बाहर सब वेट कर रहे हैं। सब जानना चाहते थे कि आप दोनों हनीमून पे कहाँ जा रहे हो। अरे बाप, टेंशन में मत आओ भैया, हम लोग आपके साथ ही जाने वाले हैं, वरना तो ये जगह हमें बताएंगे ही नहीं। अच्छा चलो बाहर वेट करें, चलो चलो कम। अच्छा तो मतलब अब कोई गेस नहीं कर पा रहा है कि हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? हमें तो पता है। नहीं मॉम, आप कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा, लेट मी मेक अ गेस। टर्की? नो। मैंने पता है हनीमून होएगा लंदन में। फिर से गलत। अरे आदि भैया, आलिया प्लीज बता भी दो ना कि कहाँ जा रहे हो। इतना इतना गेसिंग गेम मत खेलो। रमन कितना मिस कर रहा होगा ना इस कन्वर्सेशन। मनी, हम लोग रमन से मिलकर आते हैं। चल चल। अरे पर कंजंक्टिवाइट। अरे वो देखना है ना उसकी आंख कैसी है। अभी इतनी क्या जल्दी है, मतलब अभी तो तुमने हमसे भी बातें नहीं की। शोभना अम्मा बोलिए ना आप इनसे, अब रमन ऊपर आराम कर रहे हैं, थोड़ा हमसे ही बातचीत हो जाए, फिर जाए रमन के पास में। नहीं इट्स ओके, विल बी फाइन, डोंट वरी। मनी, तुम इधर बैठो और सबके साथ बात करो। एक्चुअली आई हैव अ प्लान। सिट, बैठो। जी मैं सोच रही थी कि हमको आदि और आलिया के लिए कुछ करना चाहिए, इन दोनों के लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहिए। स्पेशल मैसेज? स्पेशल मैसेज? तो मैं और मनी फिर ये स्पेशल मैसेज के बाद चले जाते हैं। सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। रमन, इसे कहते हैं जंगल में मंगल। बेटा रूम को तो तुमने बार बना दिया, अब आएगा मजा। आलिया बेटा वेलकम। हम लोग बहुत दिनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो दिन कब आएगा जब तुम आदि की दुल्हन बनके इस घर में आओगी। मुझे अच्छी तरह याद है जब हमारी यीशु यहाँ बहू बनकर आई थी ना, तब हालात कुछ अलग ही थे, पर हमारी यीशु ने बहुत जल्दी सबका मन जीत लिया। और जानती हो क्यों बेटा? क्योंकि इस घर के लोगों ने भी यीशु को बहुत जल्दी अपना लिया था। और सबसे आगे तो नंबर है संतोषी भाभी का, जिन्होंने हमारे यीशु को सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। देखना बेटा, इस घर में
तुम्हें भी एक बेटी की जगह मिलेगी, मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच दादा, आई लव यू। मैं बोलूंगी, आलिया की शादी का सपना मैं तब से देखती थी जब से वो इतनी सी थी। इसके लिए बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, बट मैं मनी को थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक्स मनी, मेरी आलिया को अपनी बेटी बनाने के लिए तुमने उसको कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी, और अब इशिता उसकी सास बन रही है। मुझे पता है कि वो उसको अपनी बेटी की तरह संभाल के रखेगी। एंड यू आर वेरी लकी आलिया, इशिता के पास तुम सब कुछ सीख जाओगी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, योर ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाओगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी आलू, मेरी छोटी सी आलू इतनी बड़ी हो गई कि किसी के घर की बहू बनने जा रही है। आई एम सो हैप्पी। आलू मैं इशिता प्लीज डिनर करते हैं ना, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, अगर सब कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और आलिया को सोना भी है, कल उसकी शादी है, उसे फ्रेश लगना है। She looks so tired. पर अगर उसे नींद पूरी नहीं होगी तो she has to look fresh ना, ब्राइड है। शगुन? नहीं वो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है शगुन, मैं भी यही चाहती हूँ कि आलिया जल्दी सोए, और सिर्फ आलिया को क्यों, कल सबको अच्छा लगना है, सुंदर सुंदर दिखना है। तो चलो जल्दी से डिनर शुरू करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट। सरप्राइज कहाँ है, ये स्पेशल डिश जो कहीं नजर नहीं आ रही है, तुमने बनाई है? नहीं, इंतजार कर। ओके, इंतजार कर रहे हो? इंटरव्यू करना है, मेरे को कॉल लेना देना। अच्छा आप सब खाना खाइए, हम रमन से मिलके आ रहे हैं। एक्सक्यूज अस, डिनर तो हुआ ही नहीं, ऊपर डिनर का इंतजाम नहीं है, आप लोग डिनर कर लो फिर आराम से जाना, नहीं खाना खा लें, सबको भूख लग रही है। कर लेंगे, शो कर लेंगे, अब आते हैं भैया। मनी पहले डिनर कर लो, उसके बाद मिलना। बैग तो मैं मनी को बुलाऊंगा। लाज टू ऑन द रॉक्स। आलिया ठीक से खाना, ओके? आज का सारा खाना रोशनी और अक्का ने बनाया है, जितनी भी स्पेशल डिशेस है ना वो सारी की सारी रोशनी ने बनाई। गॉड, ये रोशनी तो जैसे शादी की चीफ गेस्ट हो। मैं जल्दी खाना नहीं खाना चाहता, पर उन्हें ऊपर कैसे जाएंगे, पहले कौन जाएगा? हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके जाते हैं, तो अच्छा है कि आज वधू भी यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, ऐसा करते पहले मैं चला जाता हूँ। नहीं 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 रोमी, सबसे पहले तू मत जा, हम लोग सबसे पहले मनी को भेजते हैं, इस द गेस्ट ऑफ ऑनर। अरे शीता भाभी देख रही है, शीता भाभी देख रही है। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं कि हम ना अलग अलग करके निकलते हैं, टीम बना के। हाँ पापा अंकल पहले हम टीम निकलते हैं। चलो चलो चलो। और वो मैं क्या कह रही थी, शोभना माँ आपको नहीं लगता आज लड़कों को स्पेशल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? मुझे लगता है कि भाई लड़कों को आज हम सबसे पहले खाना खिलाएंगे, उनको सर्व करेंगे, उन्हें टेस्ट कराएंगे, आदि का दिन है हमारे आदि का, तो भाई सारे जेंट्स उनको प्रिविलेज तो मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है, आप लोग उधर क्या कर रहे हो, बैठो इधर और खाना खाओ। पापा बैठिए। रोमी बैठो ना। हाँ बेबी। वो देखो ये जो गर्मा गर्म पूड़िया रोशनी बना रही है ना दाल की, वो गर्म ही अच्छी लगती है, अगर वो ठंडी होगी तो मजा नहीं है, तो आओ जल्दी से आप लोग खाना शुरू करो। नहीं भाभी हमें ठंडी भी चल लेगी, हम ठंडी खा लेंगे। एक काम करते ना, मनी के साथ थोड़ा काम है, तो मनी हम होके आते हैं। अभी कैसे शुरू करें हम? देखो क्या है कि आज ये स्पेशल डिनर है, हम चाहते हैं कि समधी समधन जो है भाई हमारे मणि शगुन पहले वो खाना शुरू करे। अब अगर मणि अकेले बैठेगा
आप लोग नहीं होगे साथ में तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, सबको साथ में बैठ के खाना पड़ेगा, शगुन और मणि को कंपनी देने के लिए। क्यों माँ, मम्मी जी? नहीं नहीं शगुन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में खा लेंगे, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अरे वो वाली नहीं बनाई जो मैंने, एक मिनट सुनो ना, आओ ना बात करते हैं कुछ वो और डेजर्ट के बारे में। इशू यार ये क्या रायता फैला रखा तुमने, तुम्हें तो हमारी हेल्प करनी थी ताकि हम लोग रमन के पास जाकर एक दो छोटे-छोटे ड्रिंक्स लगा सकें, लेकिन तुमने तो कोई और ही रूट पकड़ लिया। अरे वो बेचारा ऊपर पूरा का पूरा बार सेट अप करके बैठा हुआ है। अब मैं भी तो यही चाहती हूँ जीजू कि आप लोग एंजॉय करो, पर अब आप बताओ शोभना अम्मा यहाँ आई, आपको पता है कितनी स्ट्रिक्ट है, अब शोभना अम्मा के सामने मैं ड्रिंकिंग की बात तो नहीं कर सकती ना कि आप लोग को रिलैक्स करो। हाँ मम्मी जी आ रही हूँ, बुला रहे हैं, आप आओ डिनर करो, उसके बाद सब सेट हो जाएगा, डोंट वरी, आओ तो हो जाएगा। अरे रुको पेशो। अब देखो भाई हमारे आदि आलिया की शादी हो रही है तो इन दोनों के लिए एक टोस्ट तो बनता है आम पन्ना के साथ, क्यों मणि? जो आलिया एंड आदि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बस इतना छोटा सा ही टोस्ट? अब आम पन्ना के साथ तो इतना ही पॉसिबल होगा। क्या करें अब आम पन्ना की शादी करना पड़ेगा, चलो एनीवेज। अच्छा है ना तो कोई दारू पार्टी होगी और ना ही कोई कल हैंगओवर और चश्मों में पहुंचेगा शादी में, हो गया काम। खाना आ गया टेबल पे, मुझे अपनी स्पेशल डिश नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है आदि, कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलो तो अब कहाँ? ओके क्या करें? मेरे लिए? Of course. तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब जल्दी से टेस्ट करो और मुझे बताओ कि कैसे बने। तुम ये कहीं मार्केट से तो लेके आए? तुमने बनाया है अपने हाथों से बिना किसी के हेल्प के? Are you sure? आदि एक काम करते, सबको बताते हैं। नहीं क्या? किसी को नहीं बताना। क्यों? मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया आलिया और मैं चाहता हूँ कि इसे सबसे पहले तुम टेस्ट करो। अगर तुमने इतने प्यार से मेरे लिए गुलाब जामुन बनाए हैं तो इतने प्यार से खिला भी दो, खिलाओ। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।